हमारा मार्गदर्शन करें। अभी भी कुछ सुनना बाकी है क्या? कैसे हैं आप सब लोग? थोड़ी सी वाइब भी तो चेक हो जाए। इस कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिपरिषद के मेरे साथी अश्विनी वैष्णव जी, जूरी मेंबर्स भाई प्रसून जोशी जी, रूपाली गांगुली जी, देश के कोने कोने से यहाँ उपस्थित सभी कंटेंट क्रिएटर्स, देश के कोने कोने में इस आयोजन को देख रहे मेरे सभी युवा साथी और सभी अन्य महानुभाव, आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है और आप वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई है और इसलिए आज उस जगह पे आप हैं, भारत मंडपम। और बाहर सिंबल भी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है आते ही, और यही जगह है जहां G20 से सभी मुखिया यहाँ इकट्ठे हुए थे और आगे की दुनिया कैसे क्रिएट करनी इसकी चर्चा कर रहे थे, और आज आप लोग हैं जो भारत का भविष्य कैसे क्रिएट करना उसकी चर्चा करने के लिए आए हैं। साथियों, जब समय बदलता है, टाइम चेंज होता है, जब नए युग की शुरुआत होती है तो उसके साथ कदम से कदम मिलाना ये देश का दायित्व होता है। आज भारत मंडपम में देश अपने उस दायित्व को पूरा कर रहा है। पहले नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स यानि पहला है ये आयोजन, नए दौर को समय से पहले पहचान देने का आयोजन है। और कुछ लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, ऐसा मुझे पूछते हैं। मैं हर एक को जवाब नहीं देता हूँ, कोई रेस्टोरेंट वाला अपना किचन दिखाता है क्या? लेकिन आपको मैं बता देता हूं, ईश्वर कृपा है, मैं समय से पहले समय को भांप सकता हूं और इसलिए ये पहला ऐसा अवार्ड है जो शायद आने वाले दिनों में बहुत प्रमुख स्थान लेने वाला है। ये इस नए युग को एनर्जाइज कर रहे आप सब युवाओं को सम्मान देना, क्रिएटिविटी को सम्मान देना और समाज की रोजमर्रा की जिंदगी के प्रति जो संवेदनशीलता है उसको सम्मान करने का अवसर है। भविष्य में ये अवार्ड
कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बनेगा, उनके काम को एक बहुत बड़ी पहचान मिलने वाली है। आज जिन्हें नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड मिले हैं, मैं उन विजेताओं को तो बधाई देता ही देता हूं, पर जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, क्योंकि बहुत कम समय मिला था, हम ज्यादा इस चीज को पॉपुलर भी नहीं कर पाए थे, और मैं नहीं चाहता था कि मैं इसमें और समय गंवाऊं, लेकिन जल्दी जल्दी में भी, इतने कम समय में भी 1.5-2 लाख क्रिएटिव माइंड्स इसके साथ जुड़ जाए, ये मेरे देश की भी एक पहचान बना देता है जी। और साथियों, आज एक और पवित्र संयोग है, ये पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर आयोजित हो रहा है। और मेरे काशी में तो शिव जी के बिना कुछ नहीं चलता है। महादेव, भगवान शिव भाषा, कला और क्रिएटिविटी के जनक माने गए हैं। हमारे शिव नटराज है, शिव के डमरू से माहेश्वर सूत्र प्रकट हुई है, शिव का तांडव लय और सृजन की नींव रखता है इतिहास। और इसलिए यहां जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए नए सब्जेक्ट मिल जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन ये आयोजन अपने आप में बहुत बड़ा सुखद संयोग है, और मैं आपको भी और देशवासियों को भी महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है, लेकिन मैं देख रहा हूं पहली बार पुरुष ताली बजा रहे हैं, वरना उनको लगता है हमारा तो कोई डे आता नहीं। आज जो अवार्ड मिले हैं उनमें भी बहुत सारी बेटियां मैदान मार गई हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और भी मैं देख रहा हूं क्रिएटिव वर्ल्ड में हमारे देश की बेटियां बहुत बड़ी मात्रा में, सबको देख रहा हूं, मुझे बहुत गर्व हो रहा है आप लोगों को देख करके। मैं देश की सभी महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज ही मैं, अभी आप तो यहां बैठे हैं, मैं गैस सिलेंडर का 100 रुपया कम करके आया हूं, साथियों। किसी भी देश की जर्नी में किसी एक पॉलिसी डिसीजन या एक अभियान का कैसे मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, ये आप सबको देख करके पता चलता है। 10 साल में हुए डेटा रिवॉल्यूशन से लेकर सस्ते मोबाइल फोन्स, डिजिटल इंडिया अभियान ने एक प्रकार से कंटेंट क्रिएटर्स की एक नई दुनिया क्रिएट कर दी है। और पहली बार ऐसा हुआ होगा जब किसी सेक्टर की युवा शक्ति ने सरकार को प्रेरित किया हो, सरकार को मजबूर किया हो कि कब तक बैठे रहोगे, इसको भी सोचो। और इसलिए भी आप बधाई के पात्र हो। आज के इस अवार्ड फंक्शन का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो भारत के मेरे युवा मन को, हर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर को जाता है। साथियों, भारत का हर कंटेंट क्रिएटर एक और बात को रिप्रेजेंट करता है,
हमारे युवाओं को अगर सही दिशा मिले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने कंटेंट क्रिएशन का कोई कोर्स नहीं किया है, है ही नहीं तो क्या करोगे? पढ़ाई के टाइम करियर सेलेक्ट करते हुए ये सोचा भी नहीं होगा कि हम कंटेंट क्रिएटर जैसा कुछ बनेंगे। लेकिन अपने भविष्य को पहचाना, फ्यूचर को देखा और ज्यादातर लोगों ने वन मैन आर्मी की तरह काम शुरू कर दिया। अब ये श्रद्धा को देखिए, खुद अपना मोबाइल लेकर के बैठ जाती है। अपने प्रोजेक्ट में आप ही राइटर, आप ही डायरेक्टर, आप ही प्रोड्यूसर, आप ही एडिटर, यानी आपको ही सब कुछ करना होता है। यानी एक प्रकार से इतनी टैलेंट एक जगह पे जमा हो जाए और फिर वो जब प्रकट हो तो उसका सामर्थ्य कितना हो सकता है अंदाज लगा सकते हैं। आपने आइडियाज गढ़े, इनोवेशन किए और उन्हें स्क्रीन पर जीवंत बनाया। आपने दुनिया को न केवल अपनी क्षमता से परिचित करवाया बल्कि लोगों को दुनिया भी दिखाई। आपने जो हिम्मत दिखाई उसी के कारण आज आप सब यहाँ पहुंचे हैं और देश बड़ी आशा के साथ आपको देख रहा है। आपका कंटेंट आज पूरे भारत में जबरदस्त इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। आप एक तरह से इंटरनेट के एमवीपी ठीक है ना? थोड़ा दिमाग खपाओ, क्रिएटिविटी बताओ अपना। जब मैं आपको एमपीपी कहता हूं मतलब मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन बन गए। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जब कंटेंट और क्रिएटिविटी आपस में कोलैबोरेट करते हैं तो इससे एंगेजमेंट बढ़ती है। जब कंटेंट डिजिटल से कोलैब करता है तो ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जब कंटेंट पर्पज से कोलैब करता है तो इससे इंपैक्ट दिखता है। और आज जब आप लोग यहां आए हैं तो मुझे भी बहुत सारे विषयों पर आप लोगों से कॉलैब रिक्वेस्ट करनी है। साथियों, एक जमाने में हम छोटी से छोटी दुकानों पर लिखा देखते थे यहां बहुत टेस्टी फूड मिलता है, ऐसा देखते थे ना? कोई भी कहे वहां क्यों खाना तो बोले टेस्टी फूड है। लेकिन आज हम देखते हैं कि दुकान वाले लिखते हैं कि यहां हेल्दी फूड मिलता है। अब टेस्टी नहीं लिखता है, हेल्दी फूड मिलता। क्यों बदलाव आया? तो ये एक बदलाव समाज में भी आ रहा है। इसलिए कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो लोगों में कृतज्ञ भाव जगाए। देश के प्रति आपके जो कर्तव्य हैं उनके लोगों को प्रेरित करें और आपके कंटेंट का यही डायरेक्ट मैसेज हो, ये जरूरी नहीं है। आप कंटेंट क्रिएट करते हुए इसका ध्यान रखेंगे तो इनडायरेक्टली भी उसमें जरूर झलकेगा। आपको ध्यान होगा, लाल किले से मैंने बेटियों के अपमान का विषय उठाया था। एक बार मैंने ये भी कहा था कि आप बेटी शाम को घर आती है तो पूछते हैं क्यों देर से आई, कहाँ गई थी, क्यों जल्दी घर नहीं आई। मैंने लाल किले से पूछा था कि मुझे कोई तो माँ बाप बताओ जो अपने बेटे को पूछते हो कि तुम देर से क्यों आ रहे हो, कहाँ गए थे। बेटी को सब पूछते हैं, बेटे को कोई नहीं पूछता है।
मैं कंटेंट क्रिएटर से कहता हूं इस बात को आगे कैसे बढ़ाएं, एक माहौल कैसे बनाएं, समान जिम्मेवारी होनी चाहिए। बेटी देर से आए तो भूकंप हो जाए और बेटा देर से आए, बेटा खाना तो खाया था ना, क्यों भाई? कहने का मेरा मतलब है साथियों कि हमने समाज के साथ जुड़ना है और इस भावना को घर घर पहुंचाने में आप जैसे साथी बहुत अच्छे ढंग से इसको कर सकते हैं। देखिए आज महिला दिवस पर आप इस संकल्प को फिर दोहरा सकते हैं, हमारे देश की नारी शक्ति का सामर्थ्य कितना ज्यादा है वो भी आपके कंटेंट का हिस्सा, प्रमुख हिस्सा हो सकता है। मैं जरूर दावे से कहता हूं जी, आप में से कोई थोड़ा क्रिएटिव माइंड के साथ सुबह से रात तक माँ क्या करती है उसी को थोड़ा रिकॉर्ड करके उसको एडिट करके रखें, देखने वाले उस परिवार के बच्चे चौंक जाएंगे, अच्छा माँ इतना काम करती है। एक साथ करती है, यानी आपके पास एक ताकत है, आप इसको ऐसे प्रस्तुत कर सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे गांव की जो जिंदगी है, आपने देखा होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी में गांव की महिलाएं बहुत बड़ी मात्रा में जुड़ी हुई थी। ये वेस्टर्न लोगों की जो सोच है ना कि भारत में वर्किंग वुमेन नहीं है, अरे भाई वर्किंग वुमेन छोड़, भारत में महिला है तभी तो संसार चल पा रहा है जी। गांव में आप देखेंगे इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी माताएं बहनें करती है, अगर ट्राइबल बेल्ट में जाएंगे, पहाड़ों में जाएंगे तो आपको मैक्सिमम इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी माताएं बहनें करती हैं जी। और इसलिए हमारी क्रिएटिविटी के द्वारा हम ये जो गलत परसेप्शन बने हैं ना बड़े आसानी से बदल सकते हैं, हकीकतों के आधार पर बदल सकते हैं, और मैं मानता हूं हम इसको करना चाहिए। अगर एक दिन की जीवन की सिर्फ साइकिल को हम दिखाएं तो पता चलेगा कि हमारे यहाँ पशुपालक हो, किसान महिला हो, मजदूरी करने वाली महिला हो, कैसे काम करती, कितनी मेहनत करती है। साथियों स्वच्छ भारत की सफलता से आप सभी परिचित हैं और आपने उसमें सहयोग भी किया है, लेकिन ये तो निरंतर चलने वाला जन आंदोलन है। कहीं पर भी कोई सफाई की अच्छी चीज आती है, अब जैसे मैंने अभी एक रील देखा, कोई टाइगर पानी पीने जा रहा है और उसमें प्लास्टिक की बोतल देखता है तो टाइगर मुंह से प्लास्टिक का बोतल उठाता है और कहीं पर जगह पर छोड़ने के लिए चला जा रहा है। अब उसका मतलब मोदी किस किस से बात पहुंचाता है, समझ गए ना? अब उसके माध्यम से आप भी पहुंचा सकते हैं, और इसलिए आप इस विषय पर भी लगातार कुछ ना कुछ जरूर करते रहिए। एक अहम विषय भी मैं आपसे स्पर्श करना चाहता हूं दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें जो मेरे मन को छूती है, मेरा मन करता है कि क्रिएटिव माइंड के लोग हैं तो शायद मैं मन खोल करके बातें भी कर सकता हूं, मैं भाषण नहीं कर रहा हूं जी। जैसे मेंटल हेल्थ, ये बहुत ही छूने वाला विषय जी है, और वैसे तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काफी कंटेंट हंसी मजाक से जुड़ा होता है, लेकिन कई अन्य गंभीर विषय भी होते हैं। मैं देखता हूं मेंटल हेल्थ को लेकर, बहुत बधाई हो आपको, बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं बनाते हैं, मैंने बोला ही नहीं है जी, मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं। मुझे मेरे देश के टैलेंट पे भरोसा है, मुझे मेरे देश के लोगों की संवेदनशीलता मुझसे जरा भी कम नहीं है। लेकिन ये ऐसे है, और जो लोग इस प्रकार से सोचते हैं वो ज्यादा क्रिएटिव है ऐसा मैं कह सकता हूं, क्योंकि मेंटल हेल्थ को लेकर काफी क्रिएटर्स
बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं, लेकिन अभी हमें इस पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है। और हो सके तो लोकल लैंग्वेज, गांव के अंदर एक परिवार में अगर ऐसा बच्चा है उनके लिए क्या हो सकता है। बड़े शहर में फाइव स्टार दुनिया में तो होगा, क्योंकि उनकी जिंदगी में ये बहुत जरूरी है जी। उसी प्रकार से एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है बच्चों में स्ट्रेस का। हमें पता नहीं होता है, पहले तो हमारा जॉइंट फैमिली होता था और बच्चे कभी दादी संभाल लेती थी, कभी दादा संभाल लेते थे, कभी नाना, कभी चाचा चाची, भाभी भाई। अब माइक्रो फैमिली है, दोनों लोग चले गए हैं, आया के पास बैठा है, पता नहीं उसको स्ट्रेस का क्या स्थिति है, कुछ पता नहीं है। अब जैसे एग्जाम का समय होता है, स्टूडेंट्स में रिजल्ट को लेकर के चिंता बहुत बढ़ जाती है, सांस फूलने लग जाती है रिजल्ट आने वाले। फोन पर दोस्तों तो कह रहे जैसे रिजल्ट अभी आ गया हो, लेकिन धीरे 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 पराक्रम हो जाता है। मैंने कई 8-12-15 साल पहले एक छोटी सी फिल्म देखी थी, उस जमाने में तो उतना वीडियो कोई पॉपुलर नहीं था, लेकिन मेरी ये रुचि है जानना समझना सीखना। और उसमें ये बताया गया था कि कुछ भी गलत निर्णय लेने से पहले बेहतर जीवन जीना ज़्यादा आसान है और कितना जीवन सुंदर बनता है। और उस बच्चे को एग्जाम देनी होती थी, उसको लगता है सब मैं नहीं कर पाऊंगा तो आत्महत्या करने के लिए सोचता है। शायद उसके जो क्रिएटर होंगे उसको याद आ जाएगा, मुझे पूरा याद नहीं क्योंकि मैंने 15-16 साल पहले इसको, 20 साल हो गए होंगे। तो उसको मन करता है कि मैं रस्से से टांग करके जान दे दूं, तो रस्सा खरीदने जाता है। तो वो उसे पूछता है कितने फीट चाहिए लंबा, तो सोचता है फीट क्या होता है, तो जाके पढ़ाई करता है यार फीट ऐसे होता है। फिर वो कहता है उसको वो हुक चाहिए, तो लोहे का चाहिए कैसा चाहिए, उसकी पढ़ाई का। फिर तो उसके ध्यान में आता है यार मरने से ज्यादा तो पढ़ना सरल है। बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है उसने, हार्डली 7-8 मिनट की होगी, लेकिन जब मैंने उसको देखा और वो ये जो आत्महत्या करने का मूड बन जाता है बच्चों का, छोटी सी चीज है लेकिन उसके जिंदगी को एक नई राह दिखा देती है। अब आप भी जानते हैं मैं परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम करता हूं, आपको लगता है कई लोगों में मजाक उड़ेगा गया यार के प्राइम मिनिस्टर है क्या बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा करता रहता है फालतू समय का। मैं जानता हूं दोस्तों को, मैं कोई सरकारी सर्कुलर नीचे निकाल करके बच्चों की जिंदगी नहीं बना सकता, मुझे उनके साथ जुड़ना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा, जी जान से जुटना पड़ेगा। और उस समय यानी बारिश के बाद अगर मैं खेत में काम करूं तो काम का है, परीक्षा के दिनों में उसकी बड़ी ताकत होती है। और इसलिए मैं हर साल रेगुलरली ये कार्यक्रम करता हूं, क्योंकि मेरे मन में यही होता है कि इन बच्चों के साथ मैं कुछ बातें करूं, खुल करके बातें करूं, हो सकता है किसी को एक आध चीज काम आ जाए, उनके मन को छू जाए, उनका हाथ पकड़े, उनकी हैंड होल्डिंग करे, उनके माँ बाप को लगे, टीचर को लगे। साथियों ये सारे काम मैं तो रील बनाने के लिए समय नहीं निकाल सकता, तो मैं ऐसे काम कर लेता हूं, लेकिन आप तो वो भी कर सकते हैं जी। क्या हम ऐसा कंटेंट और ज्यादा बना सकते हैं जो यूथ में ड्रग्स के नेगेटिव इफेक्ट्स को लेकर अवेयरनेस लाए। हम बिल्कुल दावे से क्रिएटिव वे में समझा सकते हैं कि ड्रग्स इज नॉट अ कूल फॉर यूथ। मरना क्या है यार कूल, हॉस्टल में बैठे हैं कूल। साथियों इसमें बहुत बड़ा, और आप लोग हैं बड़े क्योंकि आप उनके साथ जुड़ सकते हैं, उनकी भाषा में बात कर सकते हैं। साथियों अगले कुछ दिनों में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं,
आप ये मत सोचिए कि आज का ये इवेंट इसके लिए है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि हो सका तो नेक्स्ट शिवरात्रि पर भी, या तो डेट कोई और हो सकती है, या ऐसा कार्यक्रम मैं ही करूंगा। लेकिन मैं लोकसभा चुनाव का विषय उस अर्थ में नहीं लाया हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है मुझसे ज्यादा मेरे लिए आप मरते हैं। और आप मेरे लिए इसलिए मरते हैं क्योंकि मैं आपके लिए जीता हूं, और जो अपने लिए नहीं जीता है उसके लिए मरने वाले बहुत होते हैं जी। वो मोदी की गारंटी नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की गारंटी है। ये बात सही है, ये मेरा परिवार है। साथियों, मैं जो लोकसभा चुनाव की बात कर रहा था, और एक क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारे यूथ, और खास करके हमारे फर्स्ट टाइम वोटर, उनको हम जागरूक करने के लिए क्या कर सकते हैं, और उसको पता हो कि वोट देना यानी किसी को जिताना हराने का काम नहीं है जी। वोट देने का मतलब है तुम इतने बड़े देश की निर्णय प्रक्रिया के हिस्सेदार बने हो, तुम देश का भविष्य बनाने वाले एक महत्वपूर्ण पार्टनर हो। ये उस तक पहुंचना जरूरी है जी। उसको कभी ये मत कहिए किसको वोट दो, लेकिन आप उसको जरूर कहिए कि वोट तो देना ही चाहिए। वो तय करेगा किसको देना किसको नहीं देना, वो तय करेगा, लेकिन वोट देना चाहिए ये उसको जरूर कहना चाहिए। और मैं मानता हूं हमारे देश में, दुनिया के देश जहां जैसे जैसे समृद्धि बढ़ती गई, वोटिंग पैटर्न घटती गई। दुनिया में देश समृद्ध हुए, लेकिन अलग अलग व्यवस्थाओं ने समृद्धि तक ले गए और बाद में लोकतंत्र की दिशा में गए। भारत शत प्रतिशत लोकतंत्र के ही अधिष्ठान को लेकर के, समृद्ध राष्ट्र बनने के सपने को लेकर के चला है, और दुनिया के लिए मॉडल बनने वाला है जी। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा मॉडल बनने वाला है, लेकिन उसमें मुझे मेरे देश के नौजवानों की भागीदारी चाहिए। 18, 19, 20, 21 साल के देश। साथियों, हम अपने आसपास देखते हैं कि जो दिव्यांगजन होते हैं, स्पेशली एबल्ड होते हैं, उसमें बहुत प्रतिभा होती है, टैलेंट होता है। आप उनके लिए भी एक बड़ा माध्यम बन सकते हैं, उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे दिव्यांगजनों में जो इनहेरेंट ताकत होती है, उसे बाहर लाने की आवश्यकता है, उसे भी सोशल मीडिया की शक्ति से जोड़ने की जरूरत है। साथियों, एक और विषय है, भारत का इन्फ्लुएंस भारत के बाहर और ज्यादा बढ़ाने का। आज दुनिया में आप में से जो भी परिचित होंगे विश्व के साथ, आज भारत का तिरंगे का बहुत आन बान शान है, भारत के पासपोर्ट की आन बान शान है कि नहीं है? है ना? आपने देखा होगा यूक्रेन से बच्चे जब निकल रहे थे, तिरंगा झंडा दिखा दिया, काम चल जाता था जी।
ये सामर्थ्य ऐसे ही नहीं आया है दोस्तों, ये सामर्थ्य ऐसा ही नहीं आया है, इसके पीछे एक मिशन बोर्ड में तपस्या की गई है। दुनिया में आज वातावरण बदला है, लेकिन उसको और अधिक आज भी दुनिया में कुछ परसेप्शन ऐसे ही है हमारे लिए, हम उसको बदल सकते हैं क्या? और मैं मानता हूं, मुझे याद है मैं एक बार किसी एक देश में गया था तो एक इंटरप्रेटर मेरे साथ था, तो परिचय वो और वो कंप्यूटर इंजीनियर था, तो उस सरकार में काम करता था, तो मेरी मदद की उसने, 3-4 दिन मेरे साथ था वो, तो परिचय हो गया। तो आखिर में उसने कहा, साहब आपको बुरा ना लगे तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या? नहीं साहब, को आपको बुरा नहीं लगेगा ना? मैंने कहा नहीं नहीं दोस्त, 3-4 दिन से आप देख रहे हो, बुरा लगने का सवाल नहीं, आप जरूर पूछिए। नहीं 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 रहने दो साहब, नहीं पूछता हूँ। नहीं नहीं मैंने कहा पूछो यार। उसने कहा साहब क्या अभी भी आपके देश में साफ सपेरे जादू टोना यही होता है क्या? ये मुझे पूछा गया सवाल था जी। मैंने कहा देख दोस्त, हमारे लोग तो उस जमाने में तो बड़े ताकतवर थे, तो साफ बाप उनके लिए बड़ा बाएं हाथ का खेल था। अब मैंने कहा हमारी ताकत बहुत कम हो गई है, और धीरे 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 करके मैंने कहा वो माउस पे आ गए हैं। लेकिन मैंने कहा वो माउस से पूरी दुनिया को हिलाते हैं। साथियों, मेरे देश का ये जो सामर्थ्य है ना, इस सामर्थ्य को हम आज अगर विदेश में बैठे किसी शख्स को, मैं समझता हूं हमारे सामर्थ्य से आकर्षित करें, उनको लाने की दिशा में हमारा काम हो, हम अपने कंटेंट को ऐसा क्रिएट कर सकते हैं। आप पूरी दुनिया में भारत के डिजिटल एम्बेसडर्स हैं दोस्तों, और मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी ताकत है। आप फिक्शन ऑफ सेकंड दुनिया में पहुंच सकते हैं, आप वोकल फॉर लोकल के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। मैं कल श्रीनगर में गया था तो एक नौजवान से मेरी बातचीत हो रही थी, मैं हैरान हूं, जो वो सिर्फ शहद का काम करता है, मधुमक्खी पालन का काम करता है, और आज ग्लोबली उसने अपनी एक ब्रांड पहुंचा दी है जी, जस्ट डिजिटल वर्ल्ड के माध्यम से। और इसलिए साथियों, आइए हम एक साथ मिलकर एक क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ आप लोगों से अपेक्षा कर रहा हूं, क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत के संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। हम भारत की अपनी स्टोरी सबको सुनाएं। लेट अस क्रिएट ऑन इंडिया, आई क्रिएट फॉर द वर्ल्ड। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही आपके देश, हम सबका देश भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया की यूनिवर्सिटीज के साथ, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं। आप में से कई लोग विदेशी भाषा को जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो आप तो एआई की मदद से काम हो सकता है, कुछ लोग सीख भी सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा यूएन लैंग्वेज में, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश जैसे लैंग्वेज में कंटेंट बनाएंगे तो आपकी और भारत की भी रीच बढ़ेगी। हमारे अड़ोस पड़ोस के देश हैं, उनकी भाषाओं में हम कुछ करें, हमारी एक अलग पहचान बनेगी। और आपने देखा होगा पिछले दिनों बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन हमने लिया है। मैं भी कुछ दिन पहले बिल गेट्स के साथ गप्पे मार रहा था, तो ऐसे ही एआई वगैरह सारे विषयों पर बहुत चर्चा निकली,
कभी उसके विषय में जरूर आपको पता चलेगा। लेकिन हमने अभी कल ही एक डिसीजन लिया है, हम एआई मिशन को, और मैं मानता हूं दुनिया देख रही है कि भारत एआई में क्या काम करेगा, क्योंकि भारत लीड करेगा मान के चलिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपके भरोसे बोल रहा हूं। उसी प्रकार से आपने देखा होगा सेमीकंडक्टर, जिस प्रकार से भारत सेमीकंडक्टर की दुनिया में आगे बढ़ रहा है, और मैं बताता हूं कि हम 2G 4G वगैरह में बहुत पीछे रह गए, 5G में हमने लीड कर लिया। वैसा ही हम बहुत तेजी से सेमीकंडक्टर की दुनिया में, हम दुनिया में अपनी जगह बना लेंगे दोस्तों, और देखते ही देखते हम छा जाएंगे। और ये मोदी के कारण नहीं, मेरे देश के नौजवानों के कारण, मेरे देश के टैलेंट के कारण। इतना सामर्थ्य है, मोदी तो सिर्फ अवसर देता है, रास्ते से कांटे हटा देता है, ताकि मेरा देश का नौजवान तेज गति से आगे बढ़ चले। और इसलिए मैं चाहता हूं जैसे हमारे पड़ोस के देश है, उनकी भाषा है, उनके साथ उनकी सोच समझ के अनुकूल हम जितनी चीजें पहुंचाएंगे, मैं समझता हूं हमारा नाता और जुड़ेगा। हमें अपना विस्तार करना है, अपना प्रभाव पैदा करना है दोस्तों, और ये क्रिएटिव वर्ल्ड बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। और एआई की ताकत आप जानते हैं, आजकल देखा होगा, मैं अभी जो आपसे बात कर रहा हूं, कुछ ही समय में वो आपको हिंदुस्तान की 8-10 लैंग्वेजेज में ये मेरी सारी बातें आपको मिल जाएगी, क्योंकि मैं एआई का उपयोग करता हूं। आपके साथ अगर यहां आते जाते मेरा फोटो निकल गया, तो आप एआई के माध्यम से वो फोटो अपनी कलेक्ट कर सकते हैं। नमो ऐप पर जाएंगे, फोटो बूथ पे चले जाएंगे, आराम से आपको मिल जाएगी मेरी फोटो। आज से 5 साल पहले कहीं मिल गए होंगे, एक कोने में मुझे देख रहे, आपकी एक आंख फोटो में आई है, तो भी वो आपको खींच करके ले आएगा वहां। एआई की ताकत है, हमारे देश के नौजवानों की ताकत है। और इसलिए मैं कहता हूं सबको कि भारत के पास ये सामर्थ्य है, हम इस सामर्थ्य को लेकर के आगे जाना चाहते हैं, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भारत की एक छवि नई ऊंचाई पर ले जाने का काम हम अपनी इस क्रिएटिविटी से कर सकते हैं। एक फूड क्रिएटर किसी को मुंबई के बड़ा पाव की मशहूर दुकान तक पहुंचा सकता है, एक फैशन डिजाइनर दुनिया भर को ये बता सकता है कि भारत के कलाकारों की खूबी क्या होती है, एक टेक क्रिएटर पूरी दुनिया को बता सकता है कि मेक इन इंडिया से हम क्या बना रहे हैं और भारत में इनोवेशन कैसे बढ़ रहा है। एक गांव में बैठा ट्रेवल ब्लॉगर भी विदेश में बैठे किसी व्यक्ति को अपने वीडियो से हिंदुस्तान की यात्रा के लिए मोटिवेट कर सकता है। हमारे भारत में तो इतने अलग अलग तरह के मेले होते हैं, हर एक पर्व में अपनी एक स्टोरी होती है और दुनिया उसे जानना चाहती है। जो लोग भारत को जानना चाहते हैं, भारत के कोने कोने को जानना चाहते हैं, उनकी भी आप बहुत मदद कर सकते हैं। साथियों, इन सारे प्रयासों में आपकी स्टाइल, आपका प्रेजेंटेशन, आपका प्रोडक्ट, आपके फैक्ट, अगर मैं मानता हूं हकीकत तो विषय में कॉम्प्रोमाइज कभी मत कीजिए। आप देखिए एक यूनिक अंदाज में आप जाएंगे। अब देखिए आर्टिफैक्ट तो बहुत होते हैं, आर्कियोलॉजी वाले ने बहुत चीजें निकाली होती है, लेकिन जो म्यूजियोलॉजी जानता है ना, वो जब उसको बनाता है, रखता है, तो हम उस युग में पहुंच जाते हैं। 300 साल पुरानी चीज देखते हैं तो लगता है कि मैं उस समय जी रहा हूं। क्रिएटिविटी की ये ताकत होती है दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि मेरे देश के भीतर वो क्रिएटिविटी है जो मेरे देश का भाग्य बदलने के लिए एक बहुत बड़ा कैटलिक एजेंट बन सकता है। और इसी भावना से मैं आज आप सबको मिला, आप सबको बुलाया, आप बहुत ही कम नोटिस से आए, आपने कुछ करके दिखाया है। जूरी को भी मैं बधाई देता हूं, क्योंकि 1.5-2 लाख लोगों की एक एक बारीकी को पहुंचाना बड़ा कठिन काम है, लेकिन आने वाले दिनों में ये काम और अधिक अच्छे ढंग से, अधिक साइंटिफिक ढंग से हम कर पाएंगे। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।